हाईजेट का है, हाईजेट का है। तो भाई इस तरह कंप्लीट इंजन ना तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए का है। वही 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 सर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आज हम देखने आए हैं काफ़ी सामान। काफ़ी सामान क्या चीज़ होता है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। और ये गाड़ियों का सामान होता है और इसमें आपको हर चीज़ वो मिल जाती है जो आपको ना मिल ना रहा हूँ मार्केट में कि यार ये चीज़ है, फलां चीज़ डालनी मिल नहीं रही है, फलां नट है, फला पानी की चीज़ है वो हमारी ख़राब हो गई है, इंजन है, पता नहीं क्या क्या है। तो आज देखते हैं इस मार्केट का थोड़ा विजिट करते हैं कि किस तरह की दिखने में मार्केट होती है और यहाँ पर क्या मिल रहा है और किस हिसाब से मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा वीडियो की तरफ से। अच्छा आज हम एक शॉप में मौजूद हैं तो हम यहाँ थोड़ा सा पता करते चले भाई क्या क्या सामान आपके पास मौजूद है। आपकी इतनी बड़ी दुकान है माशाल्लाह, इसके अंदर इतना सामान है, याद रहता है कि कोई चीज़ कहाँ रखी है? हमें सब याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ यहाँ रखते हैं ये सारा बाहर का इम्पोर्ट किया हुआ माल है। तो कौन कौन सी गाड़ी का सामान? करोला है, 15 वाली करोला है हमारे पास, सिविक है, सिटी है, GM नई वाली सिविक है, कल्टस है और करोला 12 वाली, ये सब सामान है। हर सामान मिल जाएगा, हर सामान मिल जाएगा। कोई ऐसी कोई चीज़ के भाई आपको मार्केट में ना मिल रही होगी यहाँ पर आपको मिलेगी कोई? अभी सिर्फ ये आगे पीछे के जो विंड स्क्रीन है ना ये नहीं लेना पड़ती है, बाकी सब सामान इधर मिल जाता है। ए टू जेड नई गाड़ियाँ जो आ रही है बड़ी, जो बाहर से जो नई गाड़ियाँ आ रही है रिकंडीशन वाले सब इधर मिल जाता है हमारा, सब मिल जाएगा जी। तो नए और पुराने के इसमें रेट में कितना फर्क होता है? ये महंगा सामान होता है बाहर का ना, इम्पोर्ट किया हुआ माल होता है, उल्टा महंगा होता है जी जी। वो नया तो ताइवान का सामान होता है ना वो सस्ता होता है, तो कस्टमर जो है ना कि डोरी वाला सामान चाहिए, अच्छा कलर वाला चाहिए, साफ़ सुथरा, वो सामान लेते हैं यहाँ से। तो जो आपको जेन्युइन चीज़ चाहिए दोस्तों यहाँ हर चीज़ मिलेगी। और खैर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुझे तो इतने नाम नहीं पता। और ये देखिए ये होंडा सिटी का ये अगला हिस्सा है पूरा, इसके बाद ये लगने के बाद कलर वलर मैच करवा सकते हैं, वो पता भी नहीं लगती गाड़ी कहाँ से लगी कहाँ से नहीं लगी। ये आल्टो के बम्पर टंगे वो ऊपर नोज कर रखी है, और आप ये देख सकते हैं आल्टो के बम्पर हैं, ये पूरी बैक पैक की तरह लगी। और एक आपको बताता चलूं ये पूरी गाड़ी रखी है भाई करोला, ये करोला 15 वाली, और ये करोला 15 है और ये करोला 18 है, और साथ ही साथ ये 18 वाली, ये दोनों की बैक साइड है, फ्रंट इसकी ये रही, फ्रंट का है ये देखिए भाई, फ्रंट भी पड़ा हुआ है लेकिन उस तरफ है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कबाड़ा है लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल सोना है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं मार्केट में और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग हर गाड़ी का यहाँ पर हैंडल मौजूद है, और ये कौन सी गाड़ी का है? ये होंडा का है, और ये देखिए कितने सारे यहाँ हैंडल मौजूद हैं। और मैं आपको गली का लॉन्ग व्यू दिखाता चलूं, और पूरी गली में सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो चलिए हम अपनी बाइक पे सफ़र करेंगे इस गली का, तो आप समझ गए कितना लॉन्ग डिस्टेंस है पूरी मार्केट में। मैं नहीं। हाँ बिल्कुल आपने यहाँ सीधे हाथ उल्टे हाथ दोनों ही तरफ गाड़ियों का सामान मौजूद है। कटी हुई गाड़ी होती है, हाँ कटी हुई गाड़ियाँ हैं ना ये। भाई कौन सी गाड़ी का है? करोला मॉडल 10 भाई, ये देख लें अगला हिस्सा 2010 का, और ये भाई
दोस्तों इंजन के बारे में तो खैर मैं नहीं बता सकता, मार्केट तो बहुत हम डिस्कवर करते हैं, लेकिन साथ हमारे भाई मौजूद हैं तो वो बताएंगे आपको इंजन के बारे में कि ये भाई कौन सी गाड़ी का इंजन है जो हम देख रहे हैं। ये हाईजेट का है। हाईजेट का है तो ये पुराना इंजन होता है? पुराना इंजन है लेकिन ये न्यू मॉडल का है। पुराना इंजन है लेकिन ये ऐसा इंजन है कि जैसे चला भी नहीं हो, गाड़ी में लग के उतराओ बस, ऐसा इंजन है। अच्छा बिल्कुल। तो ये क्या प्राइस हो जाएंगे, मतलब कि कितना चला हुआ कितना होता है, लग के उतरा है मतलब चला हुआ कितना होता है? भाई इस तरह कंप्लीट इंजन है तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए का है। डेढ़ लाख का जी हाँ। लेकिन इसका अगर पार्ट्स थोड़ा थोड़ा अगर किसी की जैसे जनरेटर खराब है, किसी कॉइल्स खराब है, किसी का खाली हेड चाहिए, किसी को घेर चाहिए, तो फिर वो डिफरेंट चीज़ तो वो दे देते हैं, मतलब पार्ट्स अगर चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं पूरे पूरे इंजन के अलावा। अच्छा साथ मेरे यहाँ पे लेफ्ट में भी मौजूद है, ये भी यही इसी का है। और ये वाला कौन सा मॉडल है? ये सब एक ही है, एवरी के जी। चलिए ये एवरी का है और ये कौन से मॉडल का है? ये विदाउट घेर है, ये घेर के साथ है। अच्छा ये कौन से मॉडल का है? ये 2008-10 ये मॉडलों के हिसाब से गाड़ियों में लगते होंगे जी हाँ। तो ये कौन कौन से मॉडल में लग सकता है अभी? ये जिसे मॉडल आया है 10 से लेके 8 से लेके 12 तक, उसके बाद फिर मॉडल चेंज हुआ तो ये उसके मॉडल का उसमें लग जाएगा। और ये आप कोई पार्ट्स वगैरह में आप कितने महीने की वारंटी देते हैं या गारंटी देते हैं? चेकिंग वारंटी होती है हमारी, 2-4 दिन की 5 दिन की वारंटी होती है, चला के चेक कर लें, तसल्ली कर लें। इंजन लगा के देते हैं या अपने मैकेनिक से? लगवा भी देते हैं अपने मैकेनिक से अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो कहते हैं हम अपने मैकेनिक से लगाए तो हमें कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा ये बगैर घेर का, ये ऑटोमेटिक है? इसमें घेर इंजन में ऑटोमेटिक का ताल्लुक नहीं होता, वो घेर का ताल्लुक है। अच्छा वो घेर का ताल्लुक है, क्योंकि भाई हमें तो देखो गाड़ियों के बारे में पता नहीं साफ बात है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये क्या है भाई? ये मीरा का है, ये ऑल्टो का है। ये मीरा है और ये मीरा है जी, ये मीरा का जब भी छोटा सा लग रहा है। और ये ऑल्टो का है, ये ऑल्टो का है। और दोस्तों दूसरा भाई ये क्या है? ये भी ऑल्टो का है। अच्छा काफ़ी अच्छी सर्विस करी है आपने, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहे हैं? नहीं इंजन नए जैसे ही ये आए हुए जापानी जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं जापानी। सबसे ज्यादा चीज कौन सी तंग करती है गाड़ी की जो आप समझ रहे हैं कि पूरी मार्केट में नहीं मिलने वाली है भाई, मंगवानी पड़ती है बाहर से? बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की, बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉमन चीज क्या है? जैसे कि आजकल कैटली के चल रहे हैं एग्जॉस्ट सेंस मैनिफोल्ड जो होते हैं वो आजकल शॉर्ट होते हैं, चौक हो जाते हैं, यहाँ पे रस्टिंग इतनी है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतनी है। फिर कुछ लोग उसको सर्विस करवा लेते हैं, कुछ नया डालते हैं, कुछ चाइना का आ रहा है, कुछ नहीं मिलता तो मजबूरी के तहत वो डालना पड़ता है, लेकिन वो कम मंगवा देते हैं बाद अगर तो हमारा कोई बंदा वहाँ होता है मौजूद विजिट के लिए गया हुआ होता तो मंगवा लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम दे देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई इंजन की यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे साथ भाई बिल्कुल मौजूद थे, और जो चीज़ आपकी ख़राब हो जाए तो उसके हवाले से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, और जो आपको चीज़ नहीं मिल रही है उसके हवाले से भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस गाड़ी का है और ये इस कंडीशन में कितना चला हुआ है, खराब है, बन सकता है? बन सकता भी है, खराब भी नहीं है, बिल्कुल सही घेर है, चलने वाला है, और हाइलिक्स पिकअप का है, लोडिंग 4x4 का, कमाने वाली गाड़ी का जी, कमाने वाली गाड़ी का जी। जब साथ में देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी इसकी हालत डाउन हुई हुई है, ये मट्टी लगी हुई है, इस पर मट्टी लगी हुई है, साफ करो बिल्कुल नया ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी गाड़ी में डल सकता है? सिर्फ पिकअप गाड़ी 4x4 में, जीप में, हर 2-4 गाड़ी में अल्टरेशन होकर लग सकता है। तो आप सही भी करते हैं या खाली खरीदते हैं? सिर्फ खरीदते हैं और साफ करके बेचते हैं। साफ करके जी हाँ, हमारे माल आते हैं गोदामों के अंदर, वहाँ हम खुद खरीदते हैं कंप्यूटर से, यहाँ लाते हैं साफ करके रखते हैं। तो कोई गाड़ी का हम दूसरा ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ रिपेयर हो जाता है, मार्केट में दुकानें बन जाते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन कुछ पैसे देके हो सकता है? हाँ एक्सचेंज में हो जाता है। लोग इस वक्त हम शेरशाह गाड़ियों के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, और ये वो डंपिंग गाड़ियाँ हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ से यहाँ पर खड़ा किया जाता है उन गाड़ियों को जिनको फारिग कर दिया जाता है काटने के लिए, यहाँ पर आती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है।
और दोस्तों सभी गाड़ियों को यहाँ पर सामान आपको मिल जाएगा, चाहे वो नई हो या बहुत पुरानी हो, आपका सामान नहीं मिल रहा हो तो आप शीर्षा चक्कर लगा सकते हैं। इंजन के बारे में तो हमने आपके यहाँ के एक दुकानदार से बात कराई कि आपको कितने तक का और कौन सी गाड़ी का इंजन मिल सकता है। और ये देखिए बाइकों के बारे में तो कहते हैं कि भाई चेसिस लाइए, पूरी बाइक बनवाइए, और साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्न की दुकान मौजूद है, और जहाँ से थोड़ा सा हमें फिर साउंड में परेशानी होती है, तो चलिए आपको हॉर्न भी दिखाते हैं कि पुराने हॉर्न किस तरह के हैं। और ये देखिए भाई बम्पर्स हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो खैर हम इतना तो हमें गाड़ियों के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर आपको ओरिजिनल हॉर्न मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ गाड़ी की सीट्स जो होती हैं कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जंपे शॉफ्ट और आड़े हैं, पठान नेट में बना लेता है।